अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची, मैं हूं अबू बकर। आज हम इस टाइम मौजूद हैं प्रिसन 35 स्पोर्ट सिटी विलाज। आज हम आपको स्पोर्ट सिटी विलाज जो है 350 गज 4 बेडरूम इसका प्रॉपर हाउस टूर देंगे कि मतलब इसके जो बेडरूम हैं नीचे वाली साइड पे कितने बेडरूम हैं, ऊपर वाली साइड पे कितने बेडरूम हैं। ये हम अभी इसके अंदर एंटर हो चुके हैं और ये इसका आप देखें सामने ड्राइंग रूम है जो कि बिल्कुल शुरू में दिया गया है। और विला इस हम ये देख सकते हैं ये फिनिशिंग स्टेज पे है। इसकी हम एक रैंडम वीडियो ले रहे हैं जिसमें आपको प्रॉपर एक घर का टूर देंगे। इसके अंदर जो बेडरूम है, टीवी लाउंज है, ड्राइंग रूम है, उसका सारा दिखाएंगे। और ये इसका ड्राइंग रूम है और साथ इसके छोटा वॉशरूम दिया गया है। और बिल्कुल इसी के सामने जो है ये किचन है, आप ये देख सकते हैं कि किचन के अंदर भी काम हो रहा है और इसकी फिनिशिंग भी जो है वो चल रही है। अच्छा, किचन के अगर बात की जाए तो बहरिया आपको जो किचन है या घर है पूरा वो एक सेमी फर्निश के तौर पे देता है, जिसमें जो है इसकी कबर्ड्स बनी होती हैं और उसके बाद लाइट्स जो हैं वो भी सारी लगी होती हैं। अब किचन के अंदर आपको हर तरह की कबर्ड्स भी मिलेंगी, सिंक भी मिलेगा बर्तन धोने के लिए, और इसके साथ आपको छोटा एक डर्टी किचन भी मिलेगा। ये आप देख सकते हैं इसका डर्टी किचन है छोटा ये सामने। और उसके बाद अभी हम आपको इसका जो नीचे वाला एक बेडरूम है उसके अंदर लेके जाएंगे। ये बैक साइड पे इसका फिर आ जाएं तो बैक साइड पे इसका एक टीवी लाउंज दिया गया जो कि बैक साइड पे है घर के अंदर, और एक लॉन जो है वो भी नीचे वाली साइड पे घर के अंदर ही दिया गया है, जिसकी एक्सेस जो है ये टीवी लाउंज वाली साइड पे विंडो से है और ये वाले बेडरूम से है। आप ये बेडरूम का साइज़ देख सकते हैं, ये नीचे का मास्टर बेडरूम है, ये नीचे वाली साइड का मास्टर बेडरूम है। और इसके साथ अटैच वॉशरूम है, आप वॉशरूम भी इसका जो है वो देख सकते हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम है, इसका काम अभी हो रहा है, कबर्ड्स जो है अंदर बन चुकी हैं, सिंक वगैरह जो है वो बने हुए हैं, नल वगैरह लगने वाले हैं। और ये बैक साइड पे इसका लॉन है जो कि घर के अंदर है और इसकी जो एक्सेस है वो नीचे वाले बेडरूम से और जो बैक साइड पे टीवी लाउंज है उधर से दी गई है। अब आपको ऊपर लेके जाएंगे। अच्छा, इसका अगर बात करें तो नीचे वाली साइड पे ड्राइंग रूम है, किचन है, एक बेडरूम है मास्टर बेडरूम है, और बैक साइड पे इसका टीवी लाउंज है। अब ये ऊपर वाली साइड पे चलते हैं, ये सीढ़ियों से हम ऊपर जा रहे हैं। और इसके ये देखें सीढ़ियों के साथ जो ग्रिल लगी है ये बड़ी एक सेफ्टी के लिए लगाई गई है और बड़ी मजबूत ग्रिल है, आप इसको देख सकते हैं। अभी इसकी फिनिशिंग चल रही है, प्रॉपर ये फाइनल नहीं हुआ घर, इसकी फिनिशिंग चल रही है। ये ऊपर वाली साइड पे जैसे हम ऊपर एंटर होते हैं तो सामने एक बेडरूम हमें मिलता है, बड़ा बेडरूम है, और उसके साथ अटैच वॉशरूम है। सामने बालकोनी दी गई है जो कि एक्सेस विंडो से है, और ये इसका साथ वॉशरूम भी है, अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम आप देख सकते हैं सामने कबर्ड्स हैं और शावर के लिए अलग से केबिन बना हुआ है, वॉशरूम के अंदर ही बना हुआ है, और ये बड़ा वॉशरूम है, और साथ जो है वो दो सिंक भी दिए गए। एक बेडरूम बिल्कुल शुरू में ऊपर वाली साइड पे, और ये इसका टेरेस है जो कि इसका अलग से दरवाज़ा दिया गया है टेरेस का, आपको इसका भी विज़िट करवाते हैं। पहले जो है वो ऊपर वाले जो 3 बेडरूम है वो आपको दिखा दें। फर्स्ट बेडरूम के साथ छोटा सा एक स्टोर है जो कि सामान वगैरह रखने के लिए दिया गया है, ये इसका स्पोर्ट सिटी विले का स्टोर है, छोटा सा एक स्टोर दिया गया है। और बैक साइड पे फिर एक बालकोनी दी गई है, छोटी बालकोनी दी गई है, और ये एक बेडरूम है बैक साइड पे, इसके साथ भी एक बालकोनी दी गई है। मतलब हर बेडरूम के साथ वेंटिलेशन के लिए या अट्रैक्शन के लिए एक एक बालकोनी भी दी गई है। ये इस बेडरूम की बालकोनी है जो कि इसी बेडरूम से विंडो से इसकी एक्सेस है, और ये इसका वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम है। और एक बेडरूम जो है इसका बिल्कुल इसी के सामने तीसरा बेडरूम है, जैसा कि ये 4 बेडरूम का घर है, एक बेडरूम नीचे है और 3 बेडरूम जो है वो ऊपर वाली साइड पे है। ये इसका 4th बेडरूम है, इसके अंदर भी अब अटैच वॉशरूम है, और उसके बाद इसकी भी बालकोनी पीछे दी गई है। वॉशरूम आप देख सकते हैं कि इसका अभी काम हो रहा है, वो केबिन जो है वो अंदर बन रहा है ग्लास का शावर के लिए। अभी हम आपको इसके टेरेस पे लेके जाएंगे जो कि बिल्कुल ऊपर शुरू वाली साइड पे
इसका टेरेस दिया गया है, सामने उसका डोर है और इसी डोर से जो है इसकी डायरेक्ट एक्सेस है टेरेस की। ये इसका टेरेस है और एक बड़ा काफ़ी मतलब खुला और बड़ा इसका टेरेस है। इस टाइम ये स्ट्रीट 35 के ऊपर है, रोड 13 स्ट्रीट 35 के ऊपर ये विला है जिसका हम आपको विज़िट दे रहे हैं। कॉर्नर का विला है और इसके साथ इसकी एक्स्ट्रा लैंड भी अच्छी खासी एक्स्ट्रा लैंड है। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे इस टाइम जो प्राइसेज है, ये मस्जिद के बिल्कुल सामने वाला एरिया है, यहाँ पे तकरीबन 2 करोड़ 2.25 करोड़ का 2.5 करोड़ का रेट है। अगर हम पोजेशन वाली साइड पे जाते हैं, पोजेशन पेड के साथ जाते हैं या किसी कैटेगरी में आ जाते हैं, तो आप इसका व्यू देख सकते हैं कि इन विलास का कितना प्यारा खूबसूरत एक व्यू है। बिल्कुल ओपन एरिया है, हाइट का एरिया है, हर तरह से जो है हमें यहाँ पे हवा मिलती है, हर तरह से मतलब इसकी ओपन स्पेस है। और बहरिया ने ये बड़े अच्छे, बहुत अच्छे और लग्जरी विलास जो है वो स्पोर्ट्स सिटी के अंदर बना के दिए हैं। अगर यहाँ पे फैमिलीज़ की बात करें तो वो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में स्ट्रीट ओवर भी देख चुके हैं कि यहाँ पे अच्छी खासी फैमिलीज़ हैं, पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये कि अभी जिस तरह से बहरिया ने विलास रेडी करके दिए हैं, ये भी आलमोस्ट विलास जो है वो रेडी हैं। यहाँ पे तकरीबन अराउंड 200 के फैमिलीज़ जो है वो आ चुकी हैं जो कि स्पोर्ट्स सिटी विलास के अंदर रह रही हैं। मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रابطہ करें। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।